नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं संजय सक्सेना, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच की आवाज। दर्शकों आज राहुल गांधी ने जो तेवर अपने भाषण के अंदर संसद में दिखाए हैं उससे मोदी जी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश में जितने भी धर्मों के गुरु हैं सबने ही हमारे को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। यहाँ तक कि शंकर भगवान भी कहते हैं कि शांति बनाए रखे और अहिंसा के मार्ग पर चले, मगर ये सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू कहने वाले इन्होंने देश में सिर्फ हिंसा और हिंसा फैलाई है। पहले ये पाठ सुने। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। तो दर्शकों सुना आपने, मगर जैसे ही राहुल गांधी जी की लाइन खत्म हुई तुरंत मोदी जी खड़े हुए और उन्होंने वही अपना रटर लाया, झूठ बोल दिया कि पूरे देश को हिंदुओं को जो है हिंसक बता दिया राहुल गांधी ने। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। देखा आपने, मगर राहुल गांधी उसी समय खड़े हुए और उन्होंने जोरदार आवाज के अंदर बोला कि मोदी जी हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, आरएसएस हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है, बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो सुना आपने, और इसी बात को लेकर पूरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर डिबेटें चल रही हैं, ये सो कॉल्ड बीजेपी प्रवक्ता सब जने यही फैला रहे हैं कि हिंदुओं को फिर इन्होंने कह दिया कि हिंदू हिंसक है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो हिंदू कहने वाले हैं अपने आप को, इन्होंने देश के अंदर हिंसा फैला रखी है। और ये अपना झूठ का ये भूल चुके हैं कि हिंदुत्व के ढोल को फाड़ दिया जनता ने। चित्रकूट में ये हार गए, अयोध्या में ये हार गए, नासिक में ये हार गए, जहां जहां मंदिर पे भगवानों के आशीर्वाद है वहां पर राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन को जो है आशीर्वाद मिला, मगर ये भूल गए। ये फिर सोच रहे हैं पुरानी स्कीम के हिंदू के नाम पर घेर लेंगे हम राहुल गांधी को, मगर अब ये चलने वाला नहीं। अब नीट पे, रोजगार पे, अग्निवीर के ऊपर, इन बातों के ऊपर देश में चर्चा होगी। लोगों को शांति से रहना है, मंदिर मस्जिद जिसको समय मिलेगा वो जाता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और लाइक करें या ना करें इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार।